तो आज की इस मूवी में एक लड़की होती है जिसके साथ गपा गप करने के लिए एक लड़का पूरी प्लानिंग करता है। तो क्या वो ऐसा कर पाएगा, क्या लड़की से बच पाएगी और लड़का ऐसा क्या प्लान करता है गपा गप करने के लिए, ये सभी बातें आपको इस मूवी में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मूवी एक्सपीरियंस करने वाला है आपका भाई, वो भी अपने अंदाज में। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चिंकी। अब ये देर रात तक काम कर रही होती है क्योंकि अगले दो दिन ऑफिस की छुट्टी होने वाली थी। तो अब चिंकी ऑफिस का पूरा काम करने के बाद घर वापस जाने लगती है। उससे पहले अपने हस्बैंड से ईमेल करती है कि मैं घर वापस आ रही हूँ फ्लाइट से, मेरे बच्चा मेरे बाबू मेरा सोना तुम खाना खा लेना, हम बहुत जल्द ही मिलेंगे, फिर मिलकर खेलेंगे, मैं बनूंगी घोड़ी तुम करना उस पे सवारी। तो अब चिंकी लिफ्ट में जाती है। अब दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम होता है राका। अब ये भी अपना काम देर रात तक कर रहे होते हैं और ये भी अपना काम करने के बाद घर जाने लगता है। अब ऊपर वाले फ्लोर से लिफ्ट नीचे आती है जिसमें होती है चिंकी। जब ये दोनों लिफ्ट में होते हैं तभी राका उस पर डाका डालने की कोशिश करता है लेकिन चिंकी उस पर ध्यान नहीं देती। अब उसी टाइम लिफ्ट बीच में अटक जाती है। अब ये दोनों लिफ्ट के सारे बटन को दबाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब ये सीसीटीवी कैमरे में इशारे करने लगते हैं लेकिन इनकी किस्मत इतनी बुरी होती है कि सीसीटीवी रूम पर भी कोई नहीं होता। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगते कि हेल्प हेल्प, लेकिन कोई भी इनकी बात नहीं सुनता क्योंकि इस पूरी ऑफिस में सिर्फ यही दोनों थे। अब चिंकी बहुत ही परेशान हो जाती क्योंकि उसकी फ्लाइट भी अब निकलने वाली थी। अब राका उसे कहता कि तुम घबराओ मत, हम बहुत जल्दी इस लिफ्ट से निकल जाएंगे। अब राका उसे कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे कंधे पे बैठकर ऊपर से खोलने की कोशिश करो, शायद हम वहाँ से निकल पाए। अब चिंकी ऊपर चेक करती है लेकिन छत ऊपर से ओपन ही नहीं होती। अब चिंकी समझ चुकी थी कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएगी, अब उसकी फ्लाइट भी चली जाएगी, ये सोचकर वो सेड़ हो जाती है। तो राका उसे जोक सुनाकर हैप्पी करने की कोशिश करता है। अब चिंकी का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है तो कहती है अब तो हमें वेट ही करना होगा किसी के आने का। अब चिंकी को प्यास लगी होती तो राका उसे कहता कि ये लो मेरे पानी की बोतल, तुम इसमें से पानी पी सकते हो, लेकिन चिंकी उसे मना कर देती। तो राका उसे कहता है कि तुम्हें पानी नहीं पीना तो ओके, मेरे पास शैंपेन की बोतल भी है, अगर तुम चाहो तो तुम उसे पी सकते हो। तो चिंकी हंसने लगती और वो कहती है ओके तुम पानी की बोतल लो, मैं उसे ही पी लेती हूँ। और वो उसके पास जो चॉकलेट होती है वो राका को देती है कि ये लो तुम खाओ। अब चिंकी को सुसु आता है जो कि उसने बहुत टाइम से रुका हुआ था। अब राका उसे कहता है कि क्या हुआ, तो चिंकी कहती है मुझे सुसु आई है लेकिन। तो राका कहता है ओह तो यही पे कर लो, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चिंकी उसे आंखें दिखाने लगती है। तो राका उसे कहता है कि ये लो मेरी थर्मस बोतल, तुम इसी में कर लो, मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ। अब चिंकी उसमें सुसु करती है तभी राका उसके काली गुफा को तिरछी नजर से देखने की कोशिश करता है लेकिन चिंकी ने तो पूरा काला जंगल बनाया हुआ था तो वो उसे नहीं देख पाता। तो अब चिंकी को थोड़ा कंफर्टेबल होने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि राका बहुत ही अच्छा है। अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक बैठकर बातें करने लगते हैं। तो अब चिंकी कहती है कि मैं घर जाकर अपने हस्बैंड के साथ छुट्टियां मनाने वाली थी लेकिन देखो ये क्या हो गया। और वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान था इन छुट्टियों में। तो राका कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे तो काम करना ही अच्छा लगता है। तो अब ये दोनों बहुत ही बोर हो चुके थे तो चिंकी कहती है कि चलो हम कुछ करते। और वो कहती है कि चलो हम एक दूसरे की पेंटिंग बनाते। अब चिंकी उसकी पेंटिंग राका को दिखाती है जो कि बहुत ही फनी पेंटिंग थी। अब राका उसकी पेंटिंग चिंकी को दिखाता है तो वो चौंक जाती है और वो कहती है कि वाह तुम तो बहुत ही बढ़िया पेंटिंग करते हो, अब मैं इसे अपने पास रखूंगी और मैं इसकी तस्वीर बनाऊंगी अगर हम यहाँ से जिंदा निकले तो। और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी चिंकी कहती है कि चलो हम एक दूसरे की सेक्स लाइफ के बारे में बातें करते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो अब चिंकी वीडियो को शूट करने लगती है और वो कहती है कि चलो तुम तुम्हारी सेक्स लाइफ के बारे में बताओ, तुमने पहले कब किया था गपा गप, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो शर्माने लगता है। अब चिंकी अपना मोबाइल उसे शूट करने के लिए देती है और वो कहती है कि मैंने एक लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ गपा गप किया था जो कि मेरा यादगार टपाटप है, उसने मुझे बहुत ही मजे दिए थे अलग अलग पोजीशन में। अब चिंकी वापस उसे कहती है कि चलो अब तुम बताओ, लेकिन वो शर्मा ही रहा। तो चिंकी कहती है कि चलो ठीक है तुमको झूठी कहानी सुना दो। अब राका कहता है कि जब मैं कार लेके जा रहा था तभी एक हॉट लड़की अचानक से मेरे कार में आ जाती और वो अपने कपड़े उतारने लगती और वो इतना कह के चुप हो जाते और वो कहता है कि बस अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चिंकी कहती है अरे शर्माओ मत, कोई बात नहीं हमें बता सकते हो। तभी राका चिंकी के बिल्कुल क्लोज आ जाता। अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते उसके बाद चुमाचाटी शुरू कर देते हैं। तो अब चिंकी अपना हाथ राका के पेंट में डालकर उसकी लुल्ली को छूती है तो उसकी लुल्ली अब लुल्ला बन जाता है। अब राका कपड़े निकल कर चिंकी को दीवार पे ही चिपका कर दे दना ठोकने लगता है। तो चिंकी कहती है कि एक ही पोजीशन में खत्म करोगे क्या, मुझे मजे चाहिए अलग अलग पोजीशन में। अब राका उसे नीचे लेटा कर शुरू हो जाता है थपा थप थपा थप। अब चिंकी कहती है चलो अब डॉग स्टाइल में करते। अब उसमें भी राका फुल स्पीड में झटके देने लगता है। अब चिंकी पूरी सेटिस्फाई हो जाती है और वो कहती है कि बस करो अब कितना पहलोगे, लेकिन राका तो जॉनी भैया की तरह दे दना देता ही रहता है। अब राका कहीं ना कहीं यूट्यूब पे सर्च करके आया होगा कि लंबे समय तक कैसे पहले। तभी चिंकी अपनी चड्डी
कपड़े पहन लेते और वो कहते कि बस अब और नहीं रुक जाओ। तभी राका कहता है चिंकी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो चिंकी कहते कि ये क्या कह रहे हो, हमारे बीच जो कुछ भी हो वो बस एक हादसा है, ऐसा ही हो गया ओके। तभी राका कहता है तुम्हारी लाइफ में जो है वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है ओके। अब ये सुन के चिंकी गुस्सा हो जाती और वो कहती है कि बस अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, और हाँ एक बात बता दूं मैं तुमसे, इस स्लिप से निकलने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब ये सुन के राका रोने लगता है और वो कहते कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है। और वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें जब चिंकी लिफ्ट में आती है उसका वीडियो होता है, और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम सारा दिन क्या करती हो, क्योंकि मैं इस ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और ये जो लिफ्ट बीच में अटकी हुई ये भी मैंने ही किया है, मैं तुम्हें कब से लाइक करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डेट के लिए पूछता तो तुम मुझे मना ही कर देती, क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और तुम मुझे थोड़ी दबाव दोगी, मुझे लगा ये सब करने से तुम मेरे क्लोज आ जाओगे, लेकिन अफसोस कि तुम पास तो आई लेकिन कुछ वक्त के लिए ही। और वो उसे की दिखाता है और वो कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी स्लिप को ओपन कर सकता हूँ। अब राका उस चाबी को लिफ्ट में डालता है, तभी चिंकी कहते कि तुमने ये जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें पुलिस से कंप्लेन करूंगी, और वो उस लिफ्ट को चाबी से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन राका उसे पकड़ लेता है। अब इसी टाइम इन दोनों के बीच तगड़ी हाथापाई होती है, तभी चिंकी का पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पे लगने से चाबी टूट जाती है। अब चिंकी राका के सर पे वार करती है तो राका वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब चिंकी राका को चेक करती कि ये कहीं मर तो नहीं गया, तभी राका उसकी हेयर को पकड़कर नीचे पटक देता है तो चिंकी वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब चिंकी को होश आता है तो देखते हैं कि राका वहीं पे बैठा हुआ था। अब राका उसे कहता है कि क्या हुआ, उठ गई, अभी भी 2 दिन तक इस ऑफिस में कोई नहीं आने वाला, और मैं तब तक तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो चिंकी कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तो राका को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो वापस से उस पर हाथापाई करता है। अब राका को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ। अब राका उसके पास बैठा है और वो कहता है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे इसके लिए माफ कर सकोगी, क्या तो हम यहाँ से साथ में बाहर निकल सकेंगे। तो चिंकी कहती है ओके। अब राका बहुत कोशिश करने के बाद ऊपर वाले छत को तोड़ देता है जहाँ से वो निकल सके। अब राका कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल कर जल्दी तुम्हारे लिए कोई हेल्प लेके आऊंगा। तभी चिंकी कहती है कि तुम यहाँ पे ही रुको, मैं बाहर जाकर हेल्प लेके आऊंगी। अब राका इसके लिए मान जाता है और वो चिंकी को ऊपर छत पे चढ़ा देता है। अब चिंकी ऊपर पहुंच जाते और वो कहती है तुम अब इसी लिफ्ट में मरो, मैं तो चली अब। अब राका गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बाहर निकल कर मार ही डालूंगा, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो ऊपर जाने लगती है। अब राका सभी कपड़ों को बांध कर ऊपर की तरफ फेंक कर वो भी ऊपर आ जाता है, और वो चिंकी को गेट तक जाने से पहले पकड़ कर नीचे खींचता है तो दोनों वापस लिफ्ट में गिरते हैं। अब ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब चिंकी को होश आता है तो वो आग लगा दे जिससे फायर अलार्म बजे और कोई हेल्प करने के लिए आए, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। तभी राका को होश आता है और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने सभी चीजें ऑफ कर दी है। तो चिंकी उसे वापस पीटने लगती। अब राका कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि चिंकी ने पहले से ही राका के हाथ को बांधा हुआ था। अब चिंकी उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगी अगर तुमने मेरे साथ जो भी किया उसकी कबूलत नहीं करोगे तो। अब राका कहता है ठीक है, तो चिंकी वीडियो को शूट करती और राका जो भी कहता है उसका वो वीडियो शूट कर लेती है। अब 2 पर्सन को दिखाया जाता है जिसमें से एक सिक्योरिटी वाला ही होता है जो कि यहाँ पे ही काम करता होता है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है ताकि वो उसके साथ बड़े अच्छे से गपागप कर सके पूरी रात बिना किसी डिस्टर्बिंग के। अब वो सीसीटीवी रूम में जाता है, उसे पता होता है कि राका यहीं पे रुका हुआ था। अब वो सीसीटीवी में देखता है कि राका और एक लड़की लिफ्ट में फंसे हुए थे। अब वो माइक में कहता है कि रुको मैं आ रहा हूँ। तभी चिंकी कहती है कि जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ये सिक्योरिटी वाला वहाँ पहुँच कर लिफ्ट को ओपन करता है। तभी राका चिंकी के मुंह को फिट कर लेता है और सिक्योरिटी वाले से कहता है कि तुम अंदर आओ। जैसे ही वो अंदर आता है तो राका उसे वहीं पे मार डालता है, साथ में चिंकी को भी बड़ी जोर से झापट देता है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब वो चिंकी को ले जाकर काके डेकी में रख कर अपने आप को क्लीन कर देता है और दूसरे कपड़े पहन लेता है, और वो सीसीटीवी रूम में जाकर सभी वीडियो को डिलीट करता होता है। तभी सिक्योरिटी वाले की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती, अब इसे राका खतरे में पड़ने वाला था तो वो उसे भी मार देता है। अब राका चिंकी को लेकर कहीं दूर आता है और वो यहाँ पर आकर डस्टबिन के डब्बे में ऑयल डालता है ताकि वो चिंकी को उसमें डालकर जला दे ताकि उसने ये सब कुछ किया है उसका कोई भी इल्जाम उस पर ना आए। अब वो चिंकी को लेने जाता है, लेकिन उससे पहले चिंकी को होश आ चुका था लेकिन वो बेहोश होने का सिर्फ नाटक करती होती है। अब जैसे ही राका उसके पास जाता है तभी चिंकी उसे लात मारकर गाड़ी लेके भागने लगती। अब उसे ऐसा लगता है कि मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। तभी वो कार को फुल स्पीड में रिवर्स करके राका को ठोकती है तो वो उसी डब्बे में गिरता है जिसमें उसने ऑयल डाला था। अब चिंकी लाइटर को जला के उसमें डाल देती है तो राका उसी में जल के राख हो जाता है। तो ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारे ये मूवी एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले इस तरह के और भी मूवी एक्सपीरियंस वीडियो को देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।